ज्ञान इंस्टीट्यूट। ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज के हम लेक्चर में कक्षा 10वीं और 11वीं, 12वीं, 9वीं कक्षा और भी जो क्लासेस होते हैं उनमें अंग्रेजी ग्रामर में एक वाक्य या एक से ज़्यादा वाक्य नेगेटिव में कन्वर्ट करने आते हैं, तो उन वाक्यों को कैसे कन्वर्ट करते हैं आज हम वो सीखेंगे। और अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा तो हम गारंटी से आपका कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस आएगा वो आप पे 101% बनेगा। तो नेगेटिव सेंटेंसेस अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए सीधा एक कॉन्सेप्ट है, आपको दो नियम याद रखना है नेगेटिव सेंटेंसेस कन्वर्ट करने के लिए। सिर्फ दो नियम याद रखना है, जब भी कोई वाक्य आए उसको नेगेटिव बनाने के लिए डू एज डायरेक्टेड में पूछा जाता है, चाहे वो जनरल इंग्लिश हो चाहे वह स्पेशल इंग्लिश हो, उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने जब भी आए उन नेगेटिव सेंटेंसेस को जब भी आप बनाओगे सिर्फ दो नियम याद रखना है कि वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया। अगर वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है तो कैसे नेगेटिव बनाएंगे, अगर वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है तो कैसे हम नेगेटिव बनाएंगे ये सीखना है। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है वाक्य में कि नहीं किया गया है। तो फर्स्ट रूल जो है आपका वो क्या है, फर्स्ट रूल यही है कि यदि वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, यदि वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है तो वह वाक्य या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंसेस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंसेस होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंसेस होगा। ध्यान रखना, यदि वाक्य में आपकी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है तो वह वाक्य या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंसेस होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंसेस होगा, क्योंकि तो ये दोनों टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है और हर जगह हेल्पिंग वर्ब लगती है पूरे टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर। ठीक है, क्लियर है, सभी को याद करना है कि यदि कोई वाक्य है और जिसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है तो वह वाक्य या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल होगा। ठीक है, क्लियर है। आप क्या करना है बेटा, आपको अगर वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होगा तो उसका नेगेटिव बनाते समय आपको या तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और प्लस क्या लगाना है, नॉट लगाना। ठीक है, क्लियर है। अगर वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस का है तो आप उसका नेगेटिव बनाते समय या तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है तो उसका नेगेटिव बनाते समय डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहला रूल अच्छे से याद कर लेना, यदि वाक्य में कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है तो वह वाक्य या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला रूल है कि अगर वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है तो उसका नेगेटिव बनाते समय या तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अगला नियम
यदि वह पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंसेस है तो उसका नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करते। अब सर पता कैसे करेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है कि वो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है? पता कैसे करेंगे सर? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है सर। हम एमपी बोर्ड से हैं सर, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है पहचान करने में कि वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि पास्ट का। तो भैया हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर सेकंड फॉर्म दी है, सेकंड फॉर्म वर्ब की दूसरी अवस्था, क्रिया की दूसरी अवस्था दी है, तो वह वाक्य आपका क्लियर है 100% कि वो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल होगा, क्योंकि आपने टेंसेस पढ़े होंगे। टेंसेस में कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही जगह लगती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। तो जहां सेकंड फॉर्म, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य होगा और वहां नेगेटिव बनाते समय डिड नॉट। सर हम सीख गए, पास्ट इंडेफिनिट सीख गए, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस, तो एस या ई एस दिख रहा है अगर वर्ब में, वर्ब में एस या ई एस दिख रहा है, अगर एस या ई एस दिख रहा है तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर एस या ई एस दिख रहा है या फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, या फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, तो आपका या तो ऐसे आई एस या फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है तो वह वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होगा। क्लियर है? क्लियर है तो फिर लाइक कर दें आप सभी इस वीडियो को और शेयर करें, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वाक्य कैसे पूछे जाते हैं सर, वाक्य कैसे आएंगे पेपर में और कैसे हम पहचानेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के डाउट भी आते हैं सर कि आपने हमें वीडियो में बता देते हो सर, आप क्लास में पढ़ा देते हो कि एस आई एस है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और फर्स्ट फॉर्म है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और अगर वो आपका सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल। लेकिन सर कुछ वर्ब की ऐसी फॉर्म होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म समान है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो सेकंड फॉर्म? ये भी बहुत बड़ा डाउट होता है। जैसे कट आपने देखा होगा, सी यू टी कट, ठीक है, कट और सट, कट मीन्स काटना। अब इसकी आप सेकेंड फॉर्म देख लो तो कट होगी, थर्ड फॉर्म देख लो तो कट होगी, सट की आप सेकंड फॉर्म देख लो तो सट होगी और थर्ड फॉर्म देख लो तो सट होगी। अब सर कैसे पहचाने कि ये सेकंड फॉर्म है कि ये फर्स्ट फॉर्म है? ये बहुत बड़ा डाउट होता है। तो भैया हम आपको बताए दे रहे हैं कि पेपर बनाने वाला आपको हिंट देता है, जब भी पेपर में नेगेटिव आएगा और अगर सट और कट हेल्प वर्ब का यूज हुआ है तो वो आपको हिंट जरूर देगा, जिससे आप पहचान लोगे कि ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म, ठीक है। हिंट क्या देगा, या तो वो वाक्य में यस्टरडे का यूज करेगा, यस्टरडे, वाक्य में यस्टरडे का यूज करेगा, तो अगर यस्टरडे है तो आपको वो कौन सी फॉर्म माननी है, सेकंड फॉर्म। क्यों? यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल मतलब पास्ट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है, पेपर वाला खुद चाहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बने और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आए, ठीक है। वो आपका एक पैटर्न बना के रखता है, कितने परसेंट इजी देना है, कितने परसेंट मीडियम देना है, कितने परसेंट हार्ड देना है, ठीक है, सबको वो सोच के चलता है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको हिंट दे दी है कि अगर आपका यस्टरडे यूज़ हो रहा है तो यस्टरडे मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्लियर है? मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, यस्टरडे में आपका डिड नॉट लगेगा। अगर सर यस्टरडे नहीं दिया हो तो फिर आप सब्जेक्ट देखो, फिर आप सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट को देख के पहचान जाओगे। अगर ई सी इट नेम दिया है या एक वचन कर्ता दिया है और उसके साथ ऐसे आई एस यूज नहीं किया है तो समझ जाओ वो सेकेंड फॉर्म है,
क्योंकि ही सी इट नेम एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ ऐसे आई एस का प्रयोग करते हैं। इसलिए टेंसेस बहुत जरूरी है बेटा, पहले आप टेंस बहुत अच्छे से तैयार करो। और हमने आपको हिंट दे ही दी है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पेपर में डूएस डायरेक्टेड में क्वेश्चन आ गया, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आ गया ही बेंट टू सागर, पहला सेंटेंस आ गया ही बेंट टू सागर, और कोष्टक में दे दिया चेंज इनटू नेगेटिव। तो चेंज इनटू नेगेटिव, हमें नेगेटिव में चेंज करना है, ऐसे डू एस डायरेक्टेड में पूछ लिया जाता है कि चेंज इनटू नेगेटिव। तो अब आपको देखना है कि वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया। देख लो इस सेंटेंस में कहीं सहायक क्रिया लगी है क्या, नहीं लगी है सर। तो आपका या तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होगा या पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल होगा। तो क्या यहाँ देखो, वर्ब देखो बेंट लगा है, तो गो का सेकंड फॉर्म सर बेंट होता है, तो ये काय का हो गया, गो का सेकंड फॉर्म है ये, तो ये काय का वाक्य हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल हो गया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल हो गया तो इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर इसके बाद नॉट, और फिर याद रखना कि जब उसका नेगेटिव बनाओ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड कर देते। ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस का, जब नेगेटिव बनाओगे तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, और सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो क्लियर है आपका। तो इसको स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम ये सेंटेंस बना रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया ही के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा डिड, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा डिड, और फिर क्या लग जाएगा नॉट, फिर क्या लग जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बेंट है तो बेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा गो, He did not go, और फिर क्या आ जाएगा आपका to सागर, go to सागर। क्लियर है ना? ठीक है, और देखते हैं सेकेंड सेंटेंस आया अगर आपके पास you broke the cup, change into negative sentences, you broke the cup। तो देखो यहाँ पे वर्ब आपका सेंटेंस देखो, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, नहीं किया है, तो यह वाक्य या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होगा या पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल होगा। अब सर ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो अब वर्ब को देखो, वर्ब में लिखा है ब्रोक, तो ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है और ब्रोक क्या है सेकंड फॉर्म है, तो सर क्लियर हो गया कि ब्रोक सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है मतलब हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी नेगेटिव बनाते समय। तो कैसे बनेगा ये, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा यू, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी डिड, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा नॉट, तो नॉट आ गया, फिर सेकंड फॉर्म का अपन काय में बदल देंगे फर्स्ट फॉर्म में, तो ब्रेक का क्या हो जाएगा ब्रेक, और फिर लास्ट में जो कुछ बचा रह गया ऑब्जेक्ट लिख दो, तो यू डिड नॉट ब्रेक द कप। ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। और देख लो आप नेगेटिव बनाने वाले सेंटेंस, जैसे आ गया हरी गोस टू सागर,
हरि गोस टू सागर, तो हरि गोस टू सागर आ गया, तो क्या इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल होगा। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है, वो डिपेंड करेगा वर्ब पर। तो वर्ब क्या दी है? गोस दी है, तो गोस जो वर्ब है, गो में ई एस लगा है, गो मीन्स जाना, तो गोस ई एस लगा है, मतलब ई एस लगा है सर, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है तो क्या क्या लगेगा जब ऐसे ई एस है, तो क्या लगेगा? डज नॉट। तो इसका क्या बन जाएगा? हरी, सब्जेक्ट क्या हो गया? हरी। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? डज। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? डज। फिर इसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट। तो हरी डज नॉट। अब गोस में से ई एस क्या कर दो? हटा दो। तो ई एस हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका? गो। तो ही हरी डज नॉट गो टू सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? हरी डज नॉट गो टू सागर। हरी सागर जाता है, हरी सागर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये तीन सेंटेंस में आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो आप वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और देखते हैं चौथा सेंटेंस। जैसे ये आ गया, ही कट द वेजिटेबल, ही कट द वेजिटेबल। चेंज इनटू नेगेटिव। तो इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो अब आपको देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, तो काय का होगा? या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल होगा। तो अब देखना है, वर्ब के पास जाओ, कट लिखा, सर अब समझ में नहीं आ रही, ये सेकंड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म? तो फिर हमने आपको लास्ट टाइम अभी बताया था रूल में कि आपको देखना है, फिर इसके बाद जब समझ में नहीं आ रहा कि सेकंड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म, तो अब डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। यस्टरडे भी नहीं दिया, देख लो, यस्टरडे दिया होता तो अपन सेकंड फॉर्म मान लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ यस्टरडे भी नहीं दिया, तो अब डिपेंड करेगा किस पे? सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही। क्या है? ही। तो भैया अब क्लियर हो गया कि ये सेकंड फॉर्म है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम पढ़ा है कि ही सी इट नेम एवं एक वचन कर्ता के साथ आप क्या करते हैं? वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अगर ही सी इट नेम एक वचन करता आ रहा है तो वर्ब में एस या ई एस। अगर ही सी इट नेम कुछ भी दिया है यहाँ और एस या ई एस नहीं लगा, तो वो कौन सी फॉर्म मानी जाएगी? सेकंड फॉर्म मानी जाएगी। तो ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ही, और क्या लग जाएगा? डिड नॉट। और इसका फर्स्ट फॉर्म कट ही होगा, ही डिड नॉट कट द वेजिटेबल, ही डिड नॉट कट द वेजिटेबल। अगला सेंटेंस, अब ये आ गया, यस्टरडे रामू शट द डोर, यस्टरडे रामू शट द डोर। तो यस्टरडे रामू शट द डोर, अब ये आ गया। तो अभी तो इसको देखते ही साथ कुछ लोग कहने लगे, सर ये तो बन जाएगा, क्योंकि आपने हिंट ही दे दी यस्टरडे, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यस्टरडे लगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी, डिड नॉट लगा दो, गारंटी है सही माना जाएगा यस्टरडे। तो सीधा लिख दो यस्टरडे लगा के रामू लिख दो, और फिर क्या लगा दो? डिड नॉट। क्यों लगा दिया? क्योंकि सर यस्टरडे दिया था और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यस्टरडे रामू डिड नॉट। और शट का फर्स्ट फॉर्म शट द डोर, शट द डोर।
क्लियर है सभी को? ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं वो सब लोग को क्लियर होना चाहिए। और देखें, हमने 5 सेंटेंस आपको बता दिए पहले नियम के, जिनमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। और देख लें एक दो, छठवां सेंटेंस, पांचवे के बाद छठवां, ही डज हिज ड्यूटी, एक ये सेंटेंस आ गया, ही डज हिज ड्यूटी। दे डिड हिज वर्क, दे डिड हिज वर्क। छठवे के बाद सातवां, ये दो सेंटेंस हम एक साथ बना रहे हैं। ये सेंटेंस कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये सेंटेंस आए हैं। ही डज हिज ड्यूटी और दे डिड हिज वर्क, तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि डज आ गया, मतलब डज हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका राइट आंसर ही डज हिज ड्यूटी, ही डज नॉट हिज ड्यूटी। लेकिन वो गलत हो जाता है, एग्जामिनर कॉफी चेक करने वाला उसको कैंसिल कर देता, भैया डज कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी सिंपल सेंटेंसेस में। डज हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब नेगेटिव बनता है। यहाँ पे उन्होंने आपको घुमाया है, आप घूमो मत। यहाँ पे डू एक वर्ब है, डू मीन्स होता है करना, और डू में उन्होंने क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया, तो ईएस लगा दिया तो वो तुम्हें क्या दिखने लगा, डज। तो तुम खुश हो गए कि हेल्पिंग वर्ब आ गई। सर इसका नेगेटिव तो बहुत ही आसान है, क्या है, ही डज नॉट हिज ड्यूटी, लेकिन वो काट देता है। पेपर कितने नंबर का गया सर, 100 में से 100 का गया, लेकिन जब नंबर आए तो कही सर बहुत कम है, कहाँ कट गए सर, हम तो नेगेटिव सही बना के आए थे। लेकिन आपकी दृष्टि से वो सही है, लेकिन एग्जामिनर की दृष्टि से और ग्रामर की रूल की दृष्टि से वो गलत है। तो इसलिए ध्यान रखें, जल्दी जल्दी में आप गलत करके ना आए। तो इसलिए जब भी डज नॉट डज आए तो आपको क्या करना है, डज आए तो आपको क्या करना है, देख लेना, नॉट नहीं लगा तो ये डू वर्ब है, तो इस कारण से ये ईएस लगा है, तो ईएस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब तो डज ही आएगी, ही डज नॉट, लेकिन इसका ईएस हटेगा तो क्या आएगा, डू हिज ड्यूटी, डू हिज ड्यूटी। ठीक है, क्लियर है। अगला सातवां, दे डिड हिज वर्क, तो इसका राइट आंसर कुछ लोग क्या बनाते, दे डिड नॉट हिज वर्क, गलत है। आपको क्या बनाना है, ये दे डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड डू का सेकेंड फॉर्म है, डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू मीन्स करना, डू का सेकेंड फॉर्म डिड है, तो वो तुम्हें हेल्पिंग वर्ब लग रही, लेकिन है एक्चुअल में वर्ब। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, दे डिड नॉट, और डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डू हिज वर्क। तो ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं पेपर में तो आप पे बनना चाहिए। हमने आपको रूल बता दिए हैं, आप अब अपनी ग्रामर की बुक उठाएं या कोई भी बुक उठाएं आप, और उसमें नेगेटिव के सेंटेंस देखें, और जिनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई है उनको बना के देखें। हेल्पिंग वर्ब का क्या रूल है वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे, दूसरा नियम। पहले लेक्चर में पहला नियम, दूसरे लेक्चर में दूसरा नियम। हम आपको अब क्या कर रहे हैं, पहले नियम पर आधारित कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, जिससे आप घर पे प्रैक्टिस कर लें, जिनके पास बुक नहीं है वो प्रैक्टिस कर लें, और इनके आंसर आप क्या करना, जो हम क्वेश्चन लिखने वाले हैं उनके आंसर आप या तो कमेंट बॉक्स में दे दें, अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं दे पा रहे हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और डाउट है या कुछ भी है तो अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ चुकी हैं, वो उन्होंने कहा है कि आप अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके आप लोग सभी क्या कहते हैं, आप डिस्कशन करने, कोरोना महामारी के ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जो भी उसके बचाव के उपाय हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए, आप सभी एक एक करके
आप हमसे पूछने आ सकते हैं डाउट क्लास, केवल और केवल डाउट। ऑनलाइन तो लगी रही है लेकिन डाउट क्लास के लिए आप अपने पेरेंट्स से लिखित परमिशन लाके आप ऑफलाइन भी हमसे पूछने आ सकते हैं। तो होमवर्क क्या है वह आप देख लें। होमवर्क हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। आपका होमवर्क है पहला सेंटेंस, रामू ब्रोक द चेयर। सभी सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा, दे डू हिज वर्क। He came from Sagar. चौथा, They taught me. पांचवा आपका पांचवा है राजू शट द डोर। ये पांच सेंटेंसेस हैं और आप प्रैक्टिस के लिए हमसे आप बुक ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप घर पे आके हमसे बुक ले लें। और भी बहुत सारे हम आपको सेंटेंस दे सकते हैं। अभी आप ये पांच सेंटेंस बनाएं और इनके आंसर या तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पे डालें। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।